हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रश्मि पंड्या शर्मा और आप देख रहे हैं टिंटिन फिल्म एडवेंचर्स का शो हेल्थ कल्चर लाइव। आज इस शो में हम आपको स्तनपान, मदर फीडिंग या ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में कुछ जानकारियाँ देंगे। इसके लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश पाठक। डॉक्टर साहब, ब्रेस्ट फीडिंग, मदर फीडिंग या स्तनपान से क्या तात्पर्य है? देखिए, एक स्तनपायी माँ अपने बच्चे को अपने स्तन से जो प्राकृतिक दूध पिलाती हैं, उस क्रिया को हम स्तनपान या ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे में एक न्यूट्रिशनल गैप को भरता है, मतलब जब बच्चा गर्भ में होता है तो वो माँ पे डिपेंडेंट होता है, तो उस डिपेंडेंट अवस्था से जन्म के बाद बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाता है, तो इस जो गैप है, न्यूट्रिशनल गैप, इसको जो भरता है वो ब्रेस्ट फीडिंग कहलाती है। प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे और माँ में कुछ बदलाव होते हैं जो माँ को दूध पिलाने के लिए और बच्चे को दूध पीने के लिए डेवलप करते हैं। बच्चे में नेचुरली कुछ रिफ्लेक्सेस डेवलप होते हैं, जैसे रूटिंग या सर्चिंग रिफ्लेक्स, सकलिंग रिफ्लेक्स और स्वेलिंग रिफ्लेक्स, जो कि बच्चे को दूध पीने में हेल्प करते हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग एक कला है जो हर माँ को आती है या आनी चाहिए। स्तन में दूध कैसे बनता है? देखिए, नेचुरली जो ब्रेस्ट है वो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। ये ग्लैंडुलर टिश्यूज जहाँ की दूध बनता है, सपोर्टिक टिश्यूज और फैट का बना हुआ होता है। ग्लैंडुलर टिश्यू में बहुत सारे एल्वुलाई होते हैं जहाँ पे हार्मोन की इफ़ेक्ट से जो है दूध बनता है, वो एक डक के द्वारा लैक्टिफेरस साइनस जो निप्पल के पास होते हैं वहाँ तक पहुँचता है और फिर निप्पल के द्वारा बाहर निकल जाता है। ये दूध बनने की प्रक्रिया और दूध निकलने की क्रिया, ये सब हार्मोन से रिलेटेड होती है। तो दूध बनने में दो रिफ्लेक्सेस हमें हेल्प करते हैं। रिफ्लेक्सेस मतलब कि नेचुरली कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो ब्रेन को स्टिमुलस करती हैं, ब्रेन से कुछ हॉर्मोन्स निकलते हैं जो हॉर्मोन ब्रेस्ट पे एक्ट करते हैं और दूध बनता है और निकलता है। तो ये दो तरह के रिफ्लेक्सेस हैं, एक है प्रोलैक्टिंग या मिल्क सिक्रीशन रिफ्लेक्सेस। जब बच्चा सक करता है तो निप्पल और उसके चारों तरफ जो एरियोला का पार्ट है वहाँ नर्व का एक नेटवर्क होता है, वहाँ नर्व एंडिंग्स होती हैं जो सकिंग से एक स्टिमुलस उत्पन्न करती हैं। ये स्टिमुलस नर्व्स के द्वारा ब्रेन में पहुँचता है। ब्रेन में एक मास्टर ग्लैंड होती है जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। उसके एंटीरियर पार्ट को जब स्टिमुलस मिलता है तो वहाँ से एक हार्मोन निकलता है, वो प्रोलैक्टिन हार्मोन है। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन खून के द्वारा ब्रेस्ट में पहुंचता है, वहाँ उसके ग्लैंडुलर टिश्यू या एल्वियोलाई पे एक्ट करता है, वहाँ मिल्क सिक्रीशन शुरू हो जाता है, मिल्क का बनना शुरू हो जाता है। और ये हार्मोन नाइट में ज़्यादा निकलता है, तो हम लोग ये चाहते हैं कि माँ अपने बच्चे को नाइट में भी फीडिंग कर रहे हैं। दूसरा रिफ्लेक्स है ऑक्सीटोसिन या मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स। ये भी जब बच्चा सक करता है तो इन्हीं नर्व एंडिंग्स के द्वारा इम्पल्सेज या स्टिमुलस ब्रेन में पहुंचते हैं, वहाँ सेम ग्लैंड से लेकिन पोस्टीरियर पार्ट से ये हार्मोन निकलते हैं, ये खून के द्वारा वापस ब्रेस्ट में आते हैं और जो एल्वुलाई हैं उनको कॉन्टैक्ट करते हैं, जिससे कि मिल्क वहाँ से नीचे लैक्टिफेरस जो साइनसेस हैं वहाँ तक पहुँचे और इजेक्शन हो। तो ये जो ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स है ये डेफिनेटली माँ की कंडीशन पे, माँ की जो मेंटल कंडीशन है या माँ की इमोशंस पे डिपेंड करता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान माँ को चाहिए कि वो रिलैक्स रहे और कॉन्फिडेंटली दूध पिलाए। इसलिए ये ज़रूरी है एक सक्सेस ब्रेस्ट फीडिंग के लिए कि माँ रिलैक्स रहे और कॉन्फिडेंट रहे। माँ के पहले दूध को क्या कहते हैं और क्या इससे बच्चे को पिलाना चाहिए? डेफिनेटली माँ का पहला दूध तो पृथ्वी पे अमृत है, इसको अमृत कहा गया है। कोलेस्ट्रॉम होता है ये, और इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि एक बच्चे के विकास के लिए ज़रूरी होती हैं। ये कुछ पीलापन लिए होता है, गाढ़ा होता है,
मात्रा कम होती है इसकी, लेकिन ये बहुत कंसंट्रेटेड होता है, ये रिच ऑफ कैलोरीज और न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें। तो पहले 3-4 दिन तक आपके कोलेस्ट्रॉल आता है, उसके बाद करीब करीब 2 सप्ताह तक ट्रांजिशनल मिल्क आता है जो कि कोलेस्ट्रॉल से थोड़ा सा पतला होता है, लेकिन उसमें भी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ अच्छी होती है, और 2 सप्ताह के बाद माँ को पूरा मैच्योर मिल्क आने लग जाता है। तो पहले दूध से लेके मैच्योर मिल्क आने तक कुछ दूध में बदलाव होते हैं। तो जो पहले 3-4 दिन तक जो दूध आ रहा है, जिसको हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, वो बच्चे के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें पहले 3 दिन तक, जैसा हमने पहले भी बोला था कि न्यूट्रिशन गैप होता है उसको ये फिल करता है, तो ये कोलेस्ट्रॉल उसमें बहुत हेल्प करता है बच्चे के विकास में, उसका शारीरिक विकास हो या मानसिक विकास हो। तो ये पहला दूध ज़रूर से पिलाना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल मदर मिल्क से कैसे भिन्न है और इसको पिलाने के क्या फ़ायदे हैं? देखिए, कोलेस्ट्रॉल है तो दूध ही जो माँ से ही निकलता है, लेकिन डेफिनेटली, क्योंकि जैसे हमने बात करी है, ये पहले 3-4 दिन तक आता है, कंसंट्रेटेड होता है, तो ये मैच्योर मिल्क से थोड़ा सा डिफरेंट ज़रूर है। शुरू में बच्चे की स्टोमक कैपेसिटी कम होती है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी पूरी तरह से मैच्योर नहीं होता है, तो उसको कम मात्रा में दूध चाहिए होता है, इसलिए कुदरती तौर पे पहले कुछ दिनों तक माँ के दूध कम आता है कोलेस्ट्रॉल के रूप में। तो कोलेस्ट्रॉल में कुछ ऐसी खास बातें होती हैं कि बच्चे को और कुछ ऊपर से देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कोलेस्ट्रॉल फर्स्ट इम्यूनाइजेशन है, मतलब कि जो बच्चे को प्रोटेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि इसमें ढेरों एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि बच्चे को प्राकृतिक इन्फेक्शन से माँ के द्वारा दी गई इम्यूनाइजेशन के रूप में उनको बीमारियों से बचाती है। इसके अलावा इसमें ल्यूकोसाइट्स बहुत सारी मात्रा में होती हैं जो बच्चे को वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाती हैं। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जैसे प्रोटीन, एंजाइम्स, ग्रोथ फैक्टर्स, विटामिंस होते हैं जो बच्चे के फिजिकल और मेंटल ग्रोथ दोनों में ये हेल्प करता है। इसी तरह से कोलेस्ट्रॉल जो है बच्चों में जो गट फ्लोरा है उसको एस्टैब्लिश करता है, जहाँ की बेनिफिशियल बैक्टीरिया की कॉलोनी डेवलप हो, जो कि बच्चे के डाइजेस्टिव सिस्टम को और एस्टैब्लिश करने में हेल्प करती हैं। इसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल में लैक्सेटिव इफ़ेक्ट भी होता है, जो कि बच्चों की पहली पॉटी को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है, जिसको मैकोनियम कहते हैं। आपने देखा होगा 3-4 दिन तक बच्चों को काली पॉटी आती है, तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो अपने लैक्सेटिव इफ़ेक्ट से जो है बच्चों की ये काली पॉटी निकालने में हेल्प करता है। तो उससे जो शरीर का बिलीरुबिन है बच्चों में वो मेंटेन रहता है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि बच्चों में पीले की संभावना भी कम हो जाती है। इसी तरह से कुछ और चीज़ें हैं, जैसे इसमें हाई न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो बच्चे को हमें ऊपर से और कुछ देने की ज़रूरत नहीं होती है। बाद में जब मैच्योर मिल्क आने लग जाता है तो बच्चे की थ्रस्ट भी उससे सेटिस्फाई होती है, बच्चे की भूख भी उससे सेटिस्फाई होती है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि जो हमें कोलेस्ट्रॉल और मैच्योर मिल्क से डिफर करते हैं। डॉक्टर साहब, इसी तरह माँ का दूध और अन्य दूध में क्या अंतर है? देखिए, दूध दूध होता है, लेकिन जो भी मिल्क है वो स्पेसिफिक होता है, यानी कि एक स्पीसीज का मिल्क वो उसी स्पीसीज के लिए है। जैसे हम बात करें ह्यूमन और एनिमल, तो ह्यूमन मिल्क ह्यूमन के लिए बना हुआ है और एनिमल मिल्क एनिमल्स के लिए बने हुए हैं, क्योंकि एनिमल्स को जल्दी से बढ़ना होता है, उनका शारीरिक विकास बहुत तेज़ी से होता है, तो उसमें वो चीज़ें होती हैं जो कि उसके शारीरिक विकास में हेल्प करती हैं। जैसे एनिमल मिल्क में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है जो कि उसके बॉडी बिल्ड में हेल्प करेगी। उसकी बनिस्बत हम देखें तो ह्यूमन को क्या चाहिए? ब्रेन। और ह्यूमन ब्रेन जो है पहले कुछ सालों में बहुत तेज़ी से डेवलप होता है, तो ह्यूमन मिल्क में या माँ के दूध में वो सारी चीज़ें होती हैं जो कि ब्रेन डेवलप में हेल्प करती हैं। तो माँ के दूध, मतलब किसी भी दूध में कंटेंट तो सेम ही होते हैं करीब करीब, लेकिन उनका अनुपात या कुछ स्पेसिफिक चीज़ें अलग अलग होती हैं। बच्चे को माँ का दूध कब से शुरू कर देना चाहिए? देखिए, मदर मिल्क या माँ का दूध जो है वो लिक्विड गोल्ड है, और
ये बच्चे के लिए आइडियल फूड है। तो जन्म के बाद जितना जल्दी संभव हो हमें माँ का दूध शुरू कर देना चाहिए। जनरली जो नॉर्मल डिलीवरी है उसके बाद हम कोशिश करते हैं, एंकरेज करते हैं माँ को कि वो एक घंटे के अंदर अपने लगाए और फीडिंग स्टार्ट करे। सिजेरियन में ज़रूर थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो सिजेरियन में जब माँ वार्ड में शिफ्ट हो जाए, एनेस्थीसिया का इफ़ेक्ट कम हो जाए, पेन कम हो जाए, कंफर्टेबल हो जाए, तो जितना जल्दी हो सके उस स्थिति में माँ को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए एंकरेज करना चाहिए। तो जितना जल्दी हम ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करेंगे उतना जल्दी माँ के दूध आएगा और ज़्यादा दूध आएगा। जितना हम डिले करते जाएंगे उतना माँ को ब्रेस्ट फीडिंग में दिक्कत आएगी। तो कोई भी मोड हो डिलीवरी का, हमें जितना जल्दी हो माँ के दूध के लिए एंकरेज करना चाहिए। अगर हमारा ये शो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। हाँ, अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए।